देखिए अभी तो पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह लोकहित याचिका दाखिल हुई है। इंतजार करना चाहिए क्या निर्णय आता है। देखिए कोर्ट का फैसला कुछ भी हो लेकिन जनता का फैसला आ चुका है और जनता इस पक्ष में नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की जान को खतरे में डालकर अपराधियों को जेल से रिहा किया जाए। और जो हम लोगों पर आरोप लगा रहे कि आप लोगों ने मांग किया था, हमने मांग जरूर किया था लेकिन ये नहीं कहा था कि जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया जाए। और ये जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आम और खास के अंतर को ख़त्म कर दिया, तो सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, आम आदमी को तो लड़ने का अधिकार है। सरकारी कर्मचारी को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, आम आदमी को तो नहीं देना पड़ता है। सरकारी दफ्तर में अगर घुसकर कोई बाधा पैदा करता सरकारी काम में तो धारा 353 IPC के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है, परंतु ऐसा कोई प्रावधान किसी दूसरे प्राइवेट दफ्तर में घुसकर अगर बाधा पैदा करे तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अंतर्गत अगर कोई सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो मुकदमा चलाने के पहले उसके वरीय अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा कोई मामला दूसरे सामान्य नागरिक के लिए तो नहीं है। तो ये तो सरकारी सेवा के दौरान कर्तव्यों का निर्वाह करते समय उस पर अगर कोई हमला करता है तो उसे बचाव के लिए प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा कि जो ये माइंस डिपार्टमेंट की जो महिला अधिकारी थी उस पर हमला हो गया। आए दिन बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर जब सरकारी अधिकारी जाते हैं जिलों के अंदर गांव में उस पर आए दिन हमला होता है, तो उसे सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए। उस दौरान अगर हत्या हो जाए तो अभी तक प्रावधान था कि अगर सेवा के दौरान अगर हत्या हो जाए तो उस व्यक्ति को परिहार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। आपने एक झटके में संशोधन कर दिया और देखिए तो सरकार का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया कि सरकार को दलितों से कोई मतलब नहीं है। जो इस देश के समाज के जो दलित थे, जी कृष्णैया की हत्या हो गई और जिन लोगों पर आरोप लगा और आरोपी नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट तक ने जिसको बहाल कर दिया, अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने उनको बरी कर दिया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता मैं नहीं कह सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो IAS एसोसिएशन है उन लोगों ने जो चुप्पी साध रखी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अन्य राज्यों के IAS संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं लेकिन बिहार का IAS एसोसिएशन या फिर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के लोग चुप्पी साधे हुए, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और जो अन्याय हो रहा सरकारी कर्मचारियों के ऊपर उसके बारे में खुलकर उनको सरकार की निंदा करनी चाहिए या उनको प्रस्ताव करना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।